हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से यह भोज्य पदार्थ तथा पोषक तत्व यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट टू है, जिसके अंतर्गत दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इन सभी पोषक तत्वों से आए हुए विभिन्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगी। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन के बनाए गए हैं और डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो दोस्तों, बेहतर तैयारी के लिए मेरे चैनल के सभी वीडियो जरूर देखिए। आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है मांस में कि हाथों में कि मस्तिष्क में कि हड्डी में। तो दोस्तों, ऑस्टियो शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी बीमारी है? हड्डी, ठीक है, या हड्डी में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों किसकी कमी से होता है, इसको भी आप जान लीजिए, या विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया और टाइप 2 डायबिटीज, ये चारों रोग किसके कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है दोस्तों? या अस्थियों में कैल्शियम व प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे अस्थियां जो है पतली, द्रव्यमान में कम और बार बार टूटने वाली हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं? तो दोस्तों, यह ऊर्जा प्रदान करने वाला है विटामिन और खनिज लवण, कि बल प्रदान करता है, कि रक्षा प्रदान करने वाला है, कि फुर्ती प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताई हूँ कि हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन हमारे मांसपेशी ऊतकों टूट फूट की मरम्मत करता है, और जो विटामिन एंड खनिज लवण है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रक्षा प्रदान करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को क्या बनाता है? क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? तो दोस्तों, किसी की भी दृढ़ मांसपेशियां, चमकती हुई मांसपेशियां, मजबूत मांसपेशियां देख के हम कहते हैं कि हाँ, ये अच्छा स्वास्थ्य वाला व्यक्ति है। तो अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? दृढ़ मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? जैसा कि आप सबको पता है, इसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर, रोगों से संघर्ष करने की क्षमता को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई? तो भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना 1939 में की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम विद्यालय में होता है वह सबसे पहले फ्रांस में अपनाया गया। कहाँ पे अपनाया गया? फ्रांस में। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? जैसा कि दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को रक्त शुगर भी बोला जाता है, ब्लड शुगर भी बोला जाता है, या रक्त शर्करा भी बोला जाता है, ठीक है। तो रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है दोस्तों? ग्लूकोज। क्या कहलाती है? ग्लूकोज। दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है, जैसा कि दोस्तों जो हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और हमारे अंदर ऊर्जा की मात्रा को संचालित करता है। जैसा कि दोस्तों, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, वह जो हमारा इंसुलिन होता है, वह ग्लूकोज को कम ग्लाइकोजन में बदल पाता है, जिससे ग्लूकोज जो है वह रक्त में बढ़ जाता है, यानी रक्त में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिससे डायबिटीज हो जाता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है। रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी कि रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ना, यानी कि पैंक्रियाज में
इंसुलिन की मात्रा घटना। और दोस्तों जब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने लगती है, जिससे रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से क्या इस संतुलित आहार में नहीं आता? तो जैसे कि दोस्तों हमारे संतुलित आहार में 6 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इन सभी का संतुलित मात्रा में होना ही संतुलित आहार कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये संतुलित आहार में आते हैं, जबकि हार्मोन्स नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए? तो वृद्ध व्यक्ति है, उसका पाचन शक्ति कमजोर है, तो कैसा आहार देंगे? तो उसको सुपाच्य आहार देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? ठीक है, वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? तो दोस्तों एक ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं पे आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूछेगा तो 4.1। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलन, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होता है हमारे मांसपेशीय शक्ति की। ठीक है, हमारे स्ट्रेंथ की, मस्कुलर स्ट्रेंथ की, मांसपेशी शक्ति की। तो जैसा कि हमारे मस्कुलर यानी ऊतकों को और मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है प्रोटीन, तो वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? प्रोटीन की। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? जैसा कि दोस्तों WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ की अवधारणा उसकी किस पर फोकस करती है दोस्तों? यह सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य पर फोकस करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, दालों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? जैसा कि आप सबको पता है, जब आप चावल दाल सब्जी रोटी खाते हैं तो जो हमारा चावल होता है, रोटी होता है, वह हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो दालों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त स्त्राव रोधी, ठीक है, रक्त स्त्राव रोधी विटामिन है। तो दोस्तों किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, किसको हम रक्त स्त्राव रोधी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन के को। विटामिन के क्या होता है दोस्तों? यह रक्त का थक्का जमाने के काम आता है, इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यह क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन के उत्पादन में मदद करता है। जिस प्रोथ्रोम्बिन का हमारे लीवर में निर्माण होता है, तो उसको निर्माण करने में हमारा विटामिन के जो है वो मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृदुलास्थि किस विटामिन की कमी से होता है? मृदुलास्थि यानी कि हड्डियों का मृदु हो जाना, कोमल हो जाना, तो इसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, वयस्कों में होता है दोस्तों, यह हमारे विटामिन डी की कमी से होता है। मृदुलास्थि किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, अब विटामिन डी की कमी से मृदुलास्थि जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, इसमें हमारे पसलियां, कुल्हे, जांघों आदि ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक तत्व है? वसा है कि विटामिन है कि खनिज लवण है कि प्रोटीन है? शरीर की वृद्धि की बात कर रहा है दोस्तों, तो वृद्धि की बात करेगा तो प्रोटीन, ऊर्जा की बात करेगा तो कार्बोहाइड्रेट, वसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा विटामिन ए जो है वो गाजर में पाया जाता है, तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर है। और इसके अलावा दोस्तों यह मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, यकृत, मांस एंड टमाटर, गोभी, केला, आम, पपीता, अनानास में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मधुमेह किस में खराबी के कारण होता है?
तो जैसा कि आप सबको पता है, पैंक्रियाज यानी आग्नाशय के खराबी के कारण मधुमेह होता है, क्योंकि आग्नाशय के बीटा कोशिका यानी लंगरहंस की बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, और इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, कम बदल पाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन संक्रामक रोग है, यानी निम्न में संक्रामक रोग कौन सा है? छोटी माता, काली खांसी, एड्स, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें तीनों संक्रामक रोग हैं। छोटी माता स्मॉल पॉक्स, यह वोरी सेला वायरस से फैलता है, वायरस से फैलने वाला रोग है। एंड एड्स जो है एचआईवी वायरस से फैलने वाला रोग है, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। दोस्तों एक ही वीडियो में यदि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं ऐड कर दूंगी तो आप भी आधा वीडियो देख करके आधा नहीं देखेंगे, आपको ऊबर महसूस होगा। जैसा आपको अच्छा लगे, यदि आपको 1 घंटा तक की वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, यदि आपको 10 मिनट 5 मिनट का अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि मुझे क्या करना है दोस्तों, आप 1 घंटा का वीडियो देख सकते हैं तो 1 घंटा का बनाऊंगी, आपके लिए 5-10 मिनट की वीडियो अच्छा लगेगा तो 5-10 मिनट का बनाऊंगी। तो जो भी है आपकी राय वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।